हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही नन्हे से टॉपिक के बारे में, वो क्या है? सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा GST के नाम से। बट कोई बात नहीं, आज इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि प्रॉफिट लॉस में ये कैसे आ जाता है सर जी, GST, ये सेल्स टैक्स, ये वैल्यू एडेड टैक्स जिसे हम लोग वैट कहते हैं, ये सब होता क्या है? बस एक चीज दिमाग में रखना है आपको, ये सब टैक्स होते हैं। क्या होते हैं? टैक्स होते हैं। अब समझ लो ध्यान से, बट इसको पढ़ाने से पहले एक चीज समझाऊंगा ताकि आपको पता चले ये वैल्यू एडेड टैक्स है क्या, ये लग क्यों रहा है, और इसका जो टैक्स लगता है ये जाता कहाँ है, वो सारी चीजें अच्छे से बताएंगे। बट समझते हैं, समझाते हैं, एक छोटी सी चीज बताते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने पढ़ाई है उन सब में मैंने सिर्फ क्या बताया है कि आप क्या करते थे, क्या कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि आपने एक कार खरीदी, कार 10,000 रुपए में एक कार खरीद ली, ठीक है। अब क्या किया आपने, मनमाने दम पे, चाहे जितने रुपए में आप चाहो बेच सकते हो, चाहे जितने रुपए में आप चाहो आप बेच सकते हो, चाहो तो 10,000 की कार को आप 2,00,000 में बेच दो, 3,00,000 में बेच दो, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप चाहो तो 20,000 में बेच दो, 30,000 में बेच दो, के का मतलब है 1,000, ठीक है ना? अब समझ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो आप जितने में बेच सकते हो, 20 में भी बेच सकते हो, 30,000 में भी बेच सकते हो, ठीक है, 40,000 में, जितने में चाहो उतने में बेच सकते हो। बट रियल दुनिया की बात करें, असल जिंदगी में क्या होता है, बेच तो आप किसी भी दाम पे बेच सकते हो, किसी भी दाम पे, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 20,000, 30,000, 40,000, 80,000, कितने भी दाम पे आप बेच सकते हो। मतलब क्या है, SP आपका क्या है, ये है SP, कह रहे हैं CP, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है सीधे बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस, ये है आपने बेचा कितने, SP सेलिंग प्राइस ये है आपका, तो कितने में भी बेच सकते हो। तो अभी तक इतना ही कर रहे थे, और आपको क्या कर रहा है, प्रॉफिट निकालते थे। हम लोग क्या करते थे सीधे SP लेते थे, जितने में बेचा है आपने, और ये लेते थे, पकड़ते थे और इसको माइनस कर देते थे, हमें प्रॉफिट निकल आता था। बट अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ और चीज होगी, कुछ बड़ी ही भयंकर चीज होगी यहाँ पे, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। क्या होता है प्यारे बच्चों, यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 10 रुपए की पेन खरीदी, या फिर अगर यही वाला ले लेते हैं तब ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बता दें इसके बारे में। अब क्या होगा कि जब आप इसे 10,000, 30,000, 40,000 में बेचोगे ना तो इस पे सरकार मतलब ये क्या होता है सर जी, पिक्चर सरकार नहीं, जो गवर्नमेंट होती है उसी को हिंदी में सरकार कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट होती है वो सेलिंग प्राइस, जितने में आप बेच रहे हो इस पे लगाती है, ये TAX लगाती है, मतलब टैक्स लगाती है, नहीं सर जी टैक्स लगाती है, क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। किस पे लगाती है, सेलिंग प्राइस पे लगाती है, ये हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस पे नहीं लगाती है, किस पे, जितने में आप बेच रहे होंगे उस पे लगाती है ये सेलिंग प्राइस पे लगाती है, बस सेलिंग प्राइस, आप बेच रहे हो या कोई भी बेच रहा हो उससे मतलब नहीं है, टैक्स लगेगा की पे, सेलिंग प्राइस पे लगेगा, बस इतना दिमाग में रखना है, टैक्स सेलिंग प्राइस पे लगता है, ठीक है, समझ में आएगी नहीं, इसको रब करें, चलो। अब देखना ध्यान से, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जैसे कि आप कुछ खरीद के लाए हो, 1,000 रुपए में आपने खरीद, 10,000 में खरीद के लेके आए, अब जब आपको इसे सेल करना होगा, जब आप इसे सेल कर रहे होगे, मतलब SP सेलिंग प्राइस, मान लेते हैं 20,000 में आपने कोई सामान सेल किया, ठीक है, 20,000 में सेल किया, तो अब ध्यान से देखना, अब आपको अगर प्रॉफिट निकालना होता है तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट निकालना होता है तो आप सीधे SP सेल जो किया है और जितने में आपने खरीदा है दोनों को माइनस कर देते हो, तो 20,000 में सेल किया, 10,000 में खरीद के लाए थे, तो सीधे हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ये हमारा हो जाता है प्रॉफिट। बट अब क्या होगा कि इस पे सरकार क्या हो रही है, अब असल दुनिया में, रियल जिंदगी में जिएंगे, असली जिंदगी जिएंगे,
ठीक है। असल दुनिया में क्या होता है कि जितने में आप बेचते हो उस पर सरकार टैक्स लगाती है, किसी किसी पे नहीं मिला लगाती, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपने दोस्त को ही बेच दिया, सरकार को बताया ही नहीं कि हमने बेचा है इनको, तो टैक्स नहीं लगाएगी। टैक्स हमेशा पक्के बिल पे लगता है, पक्का बिल जो बनाओगे, पक्का एकदम रसीद, एकदम फर्रा जो होता है ना, बड़ा बड़ा जो आप निकाल के मॉल से लेके आते हो वो, और जब आप पेट्रोल खरीदते हो तो उसमें पर्ची देता है ना, उस में टैक्स लगा होता है, ठीक है ना। चलो आप कहाँ खरीद रहे हो, पापा से पूछना, पापा दिखाएंगे एकदम एकदम, ये देखो बेटा इतना पैसा खर्च करता हूँ मैं तुम पे, और तुम कुछ नहीं करते हो, ठीक है। चलो क्या सर जी, क्या रुला दिए ना मुझे, रुला दिए ना, कार्टून देखता रहता हूँ मैं, क्या सर जी क्या क्या बात कर रहे हो, ठीक है। चलो आओ टैक्स, टैक्स पे आते हैं, तो टैक्स पे आते हैं, टैक्स लगता है किस पे, सेलिंग प्राइस है, समझ में। अब देखो टैक्स, टैक्स कितना भी लग जाए, अब जब एग्जाम अभी जब पढ़ोगे ना तो टैक्स तो बहुत ज़्यादा बता के दे, 10% लगा दिया, 5% लगा दिया, 15% लगा दिया, 30% लगा दिया, अरे ये तो लेखा पढ़ी की बात हो गई, ये क्वेश्चन बना रहे ना। बट जो टैक्स लगता है वो गुड्स, अब देखो यहाँ पे तीन तरीके के टैक्स होते हैं, ध्यान सुनो, तीन तरीके। एक सेल्स टैक्स, सेल टैक्स आप सेल टैक्स होता है, एक होता है वैट, और एक अभी अभी यहाँ पे आया है जीएसटी। अब जानते हो सेल टैक्स मतलब जब आप कोई सेल कर रहे हो तो उस पर सेल टैक्स लग गया, वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी। अब क्या होता है, अब कुछ भी नहीं, ये सब कुछ नहीं लगेगा, सीधे क्या लगेगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा, कोई भी प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट है आपका कोई भी प्रोडक्ट, उस पर हमेशा जीएसटी लगता है, किस पे लगता है, जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और बोथ दोनों लगता है। समाज में आया क्या, नहीं आया सर जी, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये सारे टैक्स होते हैं। अब अलग अलग नाम हो सकता है, आपसे कह सकता है सेल टैक्स लगा दिया, आपसे कह सकता है वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया, आपसे कह सकता है जीएसटी लगा दिया, है तो टैक्स ही ना। तो हमसे ये मतलब नहीं है कि ये सेल टैक्स है, वैट है, जीएसटी क्या है, हमसे मतलब बस यही है कि ये सारे टैक्स हैं, हमसे मतलब है ये सारे टैक्स हैं, बस इतना याद रखो। और आजकल क्या है कि 2017 से 1 जुलाई या जून से क्या हो गया है, सारे टैक्स को कंबाइन किया गया और कह दिया गया अब से सारे के सारे प्रोडक्ट जो होंगे उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, वो अलग होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में, जीएसटी लगेगा बाबू, ठीक है। चलो इसको रब करें, चलो तो सेल टैक्स का मतलब ही समझ लेना कि सेल टैक्स का मतलब है, सेल टैक्स का मतलब है कि वो जीएसटी ही है और कुछ नहीं है, जीएसटी ही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, आप बेचोगे 20,000 का तो उस पे लगाएगी सरकार टैक्स, सरकार लगाएगी टैक्स, और टैक्स हो सकता है 10%, 20%, 10 से कम भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। तो ये जो 10% टैक्स लगता है ना, वो इस पे लगता है, इस पे नहीं। अब ये टैक्स जाता कहाँ है, ये जो टैक्स कलेक्ट होता है, मतलब 10% ऑफ 20,000 क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 20,000 निकालो कितना हो जाएगा, मतलब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2,000। क्या बात कर रहे हो सर जी, 2,000 रुपए ले लेगी, ध्यान से सुनो, सेल किया है आपने 2,000 का, 20,000 का, सरकार ने इसी 20,000 में से 2,000 ले लेगी। ये टैक्स कलेक्ट होता है किसके द्वारा, कलेक्ट जो होता है, ध्यान से सुनो, कलेक्ट तो शॉपकीपर करेगा, हाँ कि ना, मान लेते शॉपकीपर करेगा, जब आप शॉपकीपर क्या, जो बेच रहा है, जो बेच रहा है, अब शॉपकीपर बेच रहा है तो वही कलेक्ट करेगा ना टैक्स। बट अल्टीमेटली ये टैक्स किसके पास जाता है, फाइनली ये टैक्स गवर्नमेंट के पास चला जाता है। हाँ, स्टार्टिंग में तो भाई शॉपकीपर कलेक्ट करेगा, मान लेते हैं आप मंजन खरीदने गए, कोलगेट वाला मंजन खरीदने गए शॉपकीपर के पास, उसने आपको 120 रुपए में मंजन दिया, तो 120 रुपए में कुछ सरकार ने टैक्स लगाया होगा जिसको आपने पे किया है, और वो आपने तो पे किया किसको, पे किया आपने, पे किया किसको, शॉपकीपर को। बट जो शॉपकीपर को मिला है ना, वो चला जाता है किसके पास, सरकार के पास चला जाता है, ठीक है। अगर सुनना, अगर आपने पक्की रसीद कटवाई है उस कोलगेट मंजन की, तब ही जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा खेला भी होता है, सरकार के पास नहीं जाता, ये काला धन चलने चला जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो इन सब पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो पक्की रसीद अगर आपने कटवाई है तब टैक्स आपने पे किया है, चलो छोड़ो ये सब बकवास की बात,
ठीक है। तो ये जो टैक्स है हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, इतना याद रखना, कान में इतना डाल लो, टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है ना कि कॉस्ट प्राइस पे लगता है, ठीक है। अब याद रखना यहां पे हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे थे ना, तो अब देखो प्रॉफिट क्या आएगा, ये तो 2000 क्या हो गया सरकार को आपने सेल किया, मान लेते हैं आप शॉपकीपर हो तो 2000 इसी 20000 में से 2000 आप सरकार को दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा 20000 एग्जैक्टली आपके पास नहीं आ रहा, आपके पास आ क्या रहा है 2000 सरकार को दे दिया आपने, ठीक है। तो 20000 में से 2000 माइनस होगा, क्योंकि ये 2000 आपने सरकार को दे दिया, ये 10% टैक्स लग रहा है इस पे, ये सरकार को जा रहा है, तो 2000 मतलब 18000 आपके हाथ में आ रहा है, आपके हाथ में कितना आ रहा है 18000 रुपए। अब प्रॉफिट निकलेगा, अब प्रॉफिट कितना निकलेगा कि 20000 में आपने खरीदा था, एक मिनट, 20000 नहीं 10000 में खरीदा था आपने, 10000 में खरीदा 20000 में बेचा, टैक्स लगा 10%, हाथ में आया 18000, हाथ में आया 18000, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 20000 में, उसने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस कितनी थी 20000, बट हाथ में उसके कितने आया 18000, कितना आया 18000, तो ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 18000 उसके आया हाथ में, 10000 में खरीदा था भाई, 20000 में 10000, प्रॉफिट कितना हुआ 8000 का, 8000 का प्रॉफिट हुआ है बाबू, ध्यान सुनो, नहीं तो अगर ये टैक्स बस हट जाता ना, ये अब देखो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना बाबू, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं बस यही टैक्स बचाती हैं, ये टैक्स बचाती हैं, तभी उनका जो रेवेन्यू होता है, जो प्रॉफिट होता है ना, वो लंबा चौड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए कहा जाता है बहुत टैक्स बचा रही हैं ये कंपनियां, टैक्स से दिमाग खराब हो गया उनका, ये टैक्स नहीं पे कर रही है, टैक्स की चोरी हो रही है, ठीक है। इसीलिए तो गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स भरो तभी तो मेरे पास पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा टैक्स लगाएंगे ज़्यादा पैसा आएगा, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेंगे ज़्यादा पैसा आएगा, तब देश में और अच्छे से सड़कें बनेंगी, सारी चीज़ें होंगी, हॉस्पिटल बनेंगे, कॉलेजेस अच्छे अच्छे खुलेंगे, अच्छे अच्छे सुविधाएँ आपको मिलेंगी, पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें अगर रेवेन्यू सरकार का ज़्यादा होगा तो वो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी आपको देगी, अब उसके पास पैसे नहीं आ रहा, जेब खाली है तो बनाएगी क्या आपके लिए, ठीक है सन्ना रहा। तो ये हो गया हमारा कि ये टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, किस पे टैक्स लगता है, ठीक है, टैक्स लगने की वजह से हमें प्रॉफिट क्या सेम रहता है लगने से पहले और लगने के बाद, नहीं, प्रॉफिट क्या होता है 10000 आने की जगह सिर्फ 8000 प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि टैक्स जो लग जा रहा है वो सरकार को चला जा रहा है। इनिशियली टैक्स किससे कलेक्ट होता है, किससे कलेक्ट होता है, ध्यान सुनो, मैं कस्टमर हूं, टैक्स पे कौन कर रहा है, कस्टमर टैक्स पे करता है, कलेक्ट इनिशियली शॉपकीपर करता है, बट जाता किसके पास, गवर्नमेंट के पास, जाता किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। चलो इसे रब करें, चलो यही मुझे आपको बताना था और कुछ नहीं बताना था। अब आपकी वो क्या नाम है, अपनी बुक खोल लो, उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको मैं आपको अच्छे से बता दूँ, क्या क्या लाइन बाय लाइन बताना है ना आपको सारी चीज़ें, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको खोलना है पेज नंबर 124 खोलना है, जिसमें सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा है, उसमें एक बना हुआ है ऐसे चार्ट बना हुआ है जिसमें बिल नंबर दिया है, डेट दिया है, मेन्यू दिया है, सीरियल नंबर दिया है, आइटम मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, शूज़ हो सकती है, बॉटल हो सकती है, पेन हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, टेबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकती है, बैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटी उसकी मात्रा कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, ठीक है। और नीचे लिखा है बिल अमाउंट, ठीक है, बिल अमाउंट क्या, तो उसका अमाउंट कितना है, और उस पर लग रहा है सेल्स टैक्स, एसटी मतलब सेल्स टैक्स 5% का, रेट है, ठीक है, कितना रेट का है, और अमाउंट मतलब उसका अमाउंट कितना आ रहा है टैक्स लगने के बाद, सेल्स टैक्स लगने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है, ठीक है, सेल्स टैक्स लगने के बाद अमाउंट कितना, फिर कितने आपके वो हैं, कितने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद आपका टोटल अमाउंट, टोटल नीचे लिखा है वो नीचे आ जाता है। अब ये जो सारी चीज़ें ये जो यहाँ पे लिखी हैं, सेल्स टैक्स इज चार्ज बाई गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ आइटम, इट इज कलेक्टेड बाई शॉपकीपर, शॉपकीपर से तो कलेक्ट होता है ये सेल्स टैक्स, फ्रॉम द कस्टमर किसके, ग्राहक से, कस्टमर से कलेक्ट होता है ये, एंड गिवन टू गवर्नमेंट, भले ही ये शॉपकीपर कलेक्ट करता है बट ये फाइनली दिया किसे जाता है, गवर्नमेंट को, बता रहा है, दिस इज देयर फॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, दिस इज देयर फॉर का मतलब कि जो सेल टैक्स है ना, सेल टैक्स, इसी सेल टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, यही इस लाइन का मतलब है, अंडरलाइन कर लेना, कि जो
टैक्स है, सेल टैक्स है, वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है। चलो, एड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, और वो बिल में ऐड हो जाता है, जो आप पे करते हो अपनी जेब से भरते हो, उसमें ऐड हो जाता है। चलो, दिस इज देयर फॉर दिस देयर इज अनदर टाइप ऑफ टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइस नोन एज वैट। अब देखो, पहले क्या होता था कि वैट भी ऐड हो जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स, बट अब से 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है GST, विच स्टैंड फॉर गुड्स सर्विस टैक्स विच इज लीव्ड। मतलब क्या होता है इसका? लिवाइड मतलब होता है वसूलना। किस पे वसूला जाता है बताओ? गुड्स पे और सर्विस पे, या फिर इन दोनों पे, गुड्स एंड सर्विस बोथ। तो ये होता है हमारा सेल्स टैक्स। टैक्स देखो, यहाँ मेन मोटिव क्या था समझाना आपको, ये टैक्स होता क्या है, किस पे लगता है, इसका प्रभाव मतलब इफेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है हमारा, बस इसका यही होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है टैक्स लगने की वजह से। टैक्स ना हो तो गवर्नमेंट को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, हाँ कि ना, गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं पड़ेगा तो अपने बाद प्रॉफिट ज्यादा हो। तो यही होता है टैक्स। टैक्स हर चीज पे लगता है, कुछ चीज पे नहीं भी लगता। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ये टैक्स लगा है तो कितना लगा है, कैसे लगा है, ये सारी चीज़ें बताएंगे, और टैक्स लगा है तो कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट याद रखना कि जो टैक्स है ना बाबू, वो सेलिंग प्राइस SP पे लगता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। इस पर ना लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, पिछली वीडियोस में हम लोग बार बार क्या पढ़ रहे थे कि जो प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है, प्रॉफिट परसेंट के लिए लॉस, वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस को, जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो हमेशा किस पे? कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। टैक्स लगता किस पे है? सेलिंग प्राइस पे। ये आपको याद रखना। चलो, हमने सब पढ़ा दिया, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। तब अपना ख्याल रखना, और हाँ, अगर ना समझना तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही सरल है, कुछ है ही नहीं। समझ में आया क्या? नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करो, आपको जरूर आएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।